अभी हम जानेंगे नया चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये जो तीन अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हैं इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज अ सॉल्ट। सबसे पहले हम ये जान लें कि इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, इनके अलग अलग कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सके कि हमें जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो उसके लिए हम अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले तो हम किस टाइप के इंडिकेटर को यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक घड़ी होती है, कलर होता है, किसी भी चीज से हमें मिल सकता है, वो हमें डिफरेंट प्लांट्स से मिल सकता है या हम कुछ केमिकल ऐसे यूज कर सकते हैं, कलरफुल केमिकल्स जिनके कलर चेंज होने की वजह से हमें ये इंडिकेट हो सके, ये पता चल सके कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। सो द इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स आर, जो तीन मेन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं इंडिकेटर्स, उनमें से है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं लिटमस के बारे में। इट इज अ पर्पल डाई, एक पर्पल डाई होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट लाइकन। ये एक पर्पल डाई होता है जो कि लाइकन प्लांट के जूस में से बनाया जाता है। इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। इस लिटमस को हम सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या फिर लिटमस पेपर भी आता है जो लैब में कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं फिनोफ्थलीन ऑरेंज और मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के बारे में। सो ये जो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियली केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। द नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज है और जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होता है। अब ये जो तीन हमने इंडिकेटर्स देखे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, इनके क्या क्या कलर चेंजेस होते हैं एसिड में, बेस में और जो ये न्यूट्रल होते हैं वो हम यहाँ स्टेबल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका न्यूट्रल लेवल जो होता है वो क्या होता है। जब ना तो जो हमारा सब्सटेंस है ना तो एसिड है ना वो बेस है, तो लिटमस पेपर जो लिटमस होता है वो पर्पल रहता है, लिटमस सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज रहता है। फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहती है। एंड पीएच स्केल पे भी अगर हम जाने तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं वाटर वो न्यूट्रल होता है, तो वो उसका लेवल होता है 7, पीएच स्केल पे 7 होता है। अब हम एसिड के बारे में जानेंगे। अगर कोई सब्सटेंस हमें दिया गया वो एसिड है, उसमें हमने लिटमस पेपर को यूज किया है, तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को यूज करते हैं तो वो रेड हो जाता है, और अगर रेड लिटमस पेपर को यूज करेंगे तो नो चेंज, बिकॉज रेड विल रिमेन रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। दिस इंडिकेट कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है। और अगर मिथाइल ऑरेंज जो सॉल्यूशन फॉर्म में आता है उसमें उसको अगर एसिड के साथ यूज करेंगे तो उसका जो न्यूट्रल में ऑरेंज कलर होता है वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हम एसिड को टेस्ट करने के लिए फिनोफ्थलीन का यूज करते हैं तो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है वैसे तो, और एसिड में भी वो कलरलेस ही रहेगा। पीएच स्केल की बात करें, पीएच पेपर में हमें जो पीएच स्केल में पता चलता है वो 1 से लेकर 7 तक की जो रेंज होती है वो एसिड के लिए इंडिकेट करती है कि अगर पीएच स्केल पे सॉल्यूशन जो है हमारा वो 7 से लेस हो रहा है दैट मींस वो एक एसिड है। हम आगे बात करते हैं बेस की। अगर हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए बेसिस को, सो रेड लिटमस पेपर में चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर, रेड विल चेंज टू ब्लू, और जो ब्लू है वो नो चेंज, क्योंकि ब्लू तो ब्लू ही रहेगा क्योंकि बेस में रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू। फिर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज जो कि नॉर्मली ऑरेंज होता है, बेस में वो येलो टाइप हो जाता है। फिनोफ्थलीन की बात करें जो कि नॉर्मली न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, वो बेस में पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। पीएच स्केल की बात करें तो बेसिस के लिए 7 to 14, मतलब वो 7 से बड़े ग्रेटर पार्ट में
बेस इंडिकेट होता है टिल 14। तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच स्केल जो है वो 7 से ज्यादा है 14 तक, तो वो बेस इंडिकेट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सॉल्यूशंस थे मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन। कुछ दूसरे इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, देन रेड कैबेज, उसका जूसेस है, उसका एक्सट्रैक्ट, देन सम फ्लावर्स आर देयर, एंड देन सम ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स आर देयर। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टर्मरिक के बारे में। हम हिंदी में इसे कहते हैं हल्दी। टर्मरिक इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट कंटेन्स अ येलो डाई, तो येलो कलर का डाई होता है, कलर होता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। जो टर्मरिक होता है, जो हल्दी होती है, वो बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली हम देखते हैं, हम जब सब्जी खाते हैं या कड़ी पीते हैं, तो उसमें जो टर्मरिक, जो हल्दी यूज हुई होती है, वो अगर हमारे शर्ट पे गिर जाती है, हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, और अगर हम उसे धोते हैं साबुन से या डिटर्जेंट से, तो उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कड़ी में प्रेजेंट है टर्मरिक, और हमारा जो डिटर्जेंट या हम सोप जो यूज कर रहे हैं उसमें होता है बेस। तो बेस यानी बेसिक जो वाटर के साथ बेसिक सॉल्यूशन बनता है उसका, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक होती है, जो वो दाग होता है, वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इंडिकेट्स, इसलिए हम टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं बेसिक सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं रेड कैबेज जूस की। जो रेड कैबेज, उसकी लीव्स होती हैं, उसका जो जूस होता है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। ये रेड कलर में होता है। इसके कलर चेंज के बारे में जानते हैं। इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड ही रहता है। इट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन हो जाता है। आगे बात करते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनकी पेटल्स यानी जिन फ्लावर्स की पत्तियों को हम इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेटूनिया, then hydrangea, then geranium। ये कुछ इंडिकेटर्स की तरह हम फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं। आगे हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑलफैक्टरी मींस सेंस ऑफ स्मेल, जिसमें हम स्मेल का यूज करके ये सेंस कर सके, ये पता कर सके जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। जैसे कि सबसे हम कॉमन इंडिकेटर लेते हैं ऑनियन। हम जानते हैं ऑनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ऑनियन की अपनी स्मेल होती है, हम ये जानते हैं। जब हम एक बेसिक सब्सटेंस को यूज करते हैं ऑनियन के साथ, ऑनियन के जूस को हम कपड़े पे रगड़कर, और उसमें अगर हम बेसिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, तो हमें ऑनियन की स्मेल नहीं आती है। इट डज नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ ऑनियन, इट्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और अगर हम एसिड के साथ यूज करते हैं, तो एसिड जो है उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। मतलब ये हुआ कि हम अगर बेसिस को टेस्ट करना है, तो हम ऑनियन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑनियन जो है वो उसकी स्मेल को, ऑनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है बेस के साथ। तो हम बेस में ऑनियन की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो गिवन सब्सटेंस है वो बेस है। दूसरा हम एक्सट्रैक्ट की बात करें, दूसरा वेनिला। वेनिला इज वेरी कॉमन, यू नो, वेनिला की बहुत अच्छी स्मेल होती है। हम आइसक्रीम्स में, हम दूसरे शरबतों में हम लोग यूज करते हैं वेनिला को। वेनिला हैज अ प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल होती है उसकी। बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम वेनिला को ऐड करते हैं NaOH में, बेसिक सॉल्यूशन में हम वेनिला जूस को ऐड करते हैं, तो उसमें वेनिला की स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पाती है। मतलब अगेन जो वेनिला है वो भी बेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज हो सकता है। और अगर हम एसिड्स को ऐड करेंगे, तो एसिड्स जो है उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। मतलब मैं वेनिला को अगर एसिड के साथ ऐड किया गया, तो मैं वेनिला की स्मेल आती है। दैट मींस के हम बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं वेनिला के साथ, और हमें वेनिला की स्मेल नहीं आएगी बेसिस के साथ। तो अगेन वेनिला इज ऑल्सो वेरी गुड